अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी पुलाव की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बड़े का गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, इसको इसमें डाल दूँगी। मैं सारा गोश्त मैं कुकर में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने लिए लहसुन की कलियाँ, मैंने प्याज लिए यहाँ पर 1 चम्मच मैंने बड़ी सौंफ लिए भरकर, 4 इलायची ली है, काली मिर्ची ली है, 2 स्टार लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, जावित्री ली है, और 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए है, और 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है। इसको इस मखनी में डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने केवड़ा लिया है, यहाँ पर 1 ढक्कन में केवड़ा डाल दूंगी। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैं नमक डाल दूंगी, नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल देंगे। यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी डाल दूंगी। अब इसको मैं लो फ्लेम पे चढ़ा दूंगी। ऐसे कैसे इसको हम 5 मिनट तक का खुला पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। यहाँ 5 मिनट तक के गोश्त को मैंने अच्छे से पानी में उबाल लिया है। अब वहाँ पे मैंने अदरक नहीं डाली थी, यहाँ पर अदरक के टुकड़े डाल दूंगी, और अब इसमें मैं 4 से 5 सीटी लगा लूंगी। चलिए अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं हमारी अखनी को। ये देखिए अखनी यहाँ पर बन गई है, ये गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब इसको हटा के हम मसाले की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने टोप लिया है जिसमें मैंने 2 बड़े कप ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं 3 से 4 तेज पत्ते डाल दूंगी, और यहाँ पर मैंने खड़ा गरम मसाले लिए हैं वो डाल दूंगी। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 5 बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने काट लिया है। अब इसको भी इसमें डाल दूंगी। अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक के। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी कुटी हुई मैं बाद में डालूंगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी डालूंगी। अब इसको यहाँ पर हम थोड़ी सी गोल्डन होने देंगे। इसका जो मेन मसाला है अब हम उसको पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है, सौंफ मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, और यहाँ पर काली मिर्ची ली है, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है, 4 मैंने हरी इलायची ली है, और 2 मैंने बड़ी इलायची ली है। यहाँ पर मैंने ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा लिया है। जायफल तो आप लोग ज़रूर डालना, क्योंकि इसी से ही खुशबू आएगा। ये मसाला अब हम पीस लेंगे। यहाँ पर प्याज हमारी थोड़ी सी गोल्डन हो गई है, बस इतनी ही गोल्डन चाहिए हमारे को। अब इसमें मैंने 1 कटोरी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, उसको डाल दूंगी इसके अंदर। अब इसके मसाले को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। अब इसके बाद जो हमने मोट जो खड़ा मसाला था हमने जो पीस लिया है मिक्सर में दरदरा, उसको भी हम इसमें डाल देंगे पूरा। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चियों को कूट लिया था। ये बिल्कुल नॉर्मल मिर्ची है, ज़्यादा तेज नहीं है। इसको भी डाल दूंगी इसमें। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसको थोड़ी सी देर भुनने देंगे।
यहाँ पर ही मैंने 100 ग्राम दही लिया था, इस दही को भी यहीं डाल के और इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने एक चन्नी ली है और चन्नी के नीचे मैंने ये भगोनी ली थी जिसके अंदर मैंने पूरा पानी इसका निकाल लिया है। अब इस बोटियों को हम झड़का झड़का कर इसमें से और एक तरफ निकाल लेंगे प्लेट में। यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक के इसको अच्छे से भून लिया है मसाले को। अब इसके अंदर जो बोटी हमने निकाली थी अखनी में से वो इसमें डाल देंगे। अब अखनी की बोटी डाल के भी हमको 5 से 6 मिनट तक पकाना है। अब इसके अंदर भी मैं केवड़ा डाल दूंगी एक ढक्कन भरकर। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने 1.25 किलो चावल लिए हैं। ये 1.25 किलो चावल लिए हैं जिसको मैंने 10 या 15 मिनट के लिए इसको भिगोया मैंने। अब इसके अंदर मैंने गिलास से चावल नापे तो मेरा 5 गिलास चावल है, तो जिसके मैं 10 गिलास पानी इसमें मसाले में डाल दूंगी। ये हमारा अखनी का पानी है, यहाँ पर मैं 5 गिलास अखनी का पानी डाल दूंगी और 5 गिलास सादा पानी इसमें डाल दूंगी। यहाँ पर पूरा पानी मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने पानी को चखा था, इसमें नमक थोड़ा सा कम था तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। अब पानी उकलने पर हम चावल डाल देंगे। यहाँ पर पानी में हमारे उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूंगी। यहाँ पर पूरे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और वो टॉप मेरे को थोड़ा छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने बड़े में डाल दिए। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पूरा लेमन डाल दूंगी ताकि हमारे चावल चिपके ना। यहाँ पर देखिए हमारे चावल में पानी बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। अब इस टाइम पे हम ये मैंने केसर का दूध लिया है, ये केसर वाला दूध है, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा फ्रूट कलर मिला दूंगी। यहाँ पर इसी में मैंने थोड़ा सा फ्रूट कलर मिला दिया है। अब इसके अंदर डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, टमाटर डाल दूंगी। ये मैंने तली हुई प्याज पहले तल ली थी मैंने इसको, इसमें प्याज डाल दूंगी। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं कोथमीर डाल दूंगी। यहाँ पर मैं इसमें पेपर लगाकर अब इसको ढक दूंगी, इसको पूरा कवर कर दिया मैंने यहाँ पर। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 6 से 7 मिनट तक का पकने देंगे, दम होने देंगे। यहाँ पर हमारा पुलाव देखिए दम हो चुका है इसमें बहुत अच्छे से, अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए बनकर तैयार है यहाँ पर हमारी हैदराबादी पुलाव। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।